गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर महिला मोर्चा ने आज महिलाओं और बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। महिला समिति के सचिव सीटू नीलू के नेतृत्व में काफी संख्या में महिला और बच्चे प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा, उचित दर की दुकानों से जो राशन मिल रहा है वे सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही मिल रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं मिल रहा। ऐसे गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, जिसको लेकर उनका कहना है, आधार कार्ड के आधार को देखकर हम कम से कम 10 किलो अनाज दें, क्योंकि लोगों की नौकरी और व्यापार सब कुछ खत्म हो चुका है, खाने को नहीं है। और महिला जो कि घरों में फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, और लॉकडाउन के दौरान काम धंधे भी बंद पड़े हैं। मेरा नाम नीरू है। आज यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और कौन सी पार्टी के प्रदर्शन? मैं महिला समिति और CPIM से इडवा से हूँ। हाँ। और मेरा नाम नीरू है, मैं यहाँ की सचिव हूँ जिला गाजियाबाद की। और मेरी मांग ये है सरकार से, ये राशन का जो मुद्दा है, बेरोजगार कर दिया है, घरों में राशन नहीं मिल रहा है। और राशन जिनको मिल रहा है उनका केवल राशन कार्ड पे ही मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। तो हमारा सरकार से कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड देख करके उन हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज सरकार को देना चाहिए। अरे रोटी रोजी तो तुमने छीन ली है, नौकरियां तो तुमने छीन ली है, लेकिन अब क्या रोटी भी छीन रहे हो? और रोटी छीन रहे हो और जाके पब्लिक बहुत परेशान है। हमारी बहनें, हमारी जो आम आदमी पटरियों पे खोखा पटरी का काम कर रहे थे, वो भी पटरियों का काम भी बाजार का ठप पड़ा है। कोई व्यक्ति कमा खा नहीं पा रहा है। ये जो रोजी पटरी पे रोटी चल रही थी, जो हमारी बहनें बैठी थी सब्जियां बेच रही थी। प्रदर्शन में क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें राशन चाहिए, हम रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मजदूरों को वेतन चाहिए। जो घर में महिलाएं बिचारी काम कर रही हैं, जिनके पति नहीं है, वो फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, उनको उनके लिए क्या सरकार सोच रही है? अगर लॉकडाउन लगा दिया था तो उनको 7500 रुपए वेतन देनी चाहिए सरकार को। मैं ये नहीं कहती हूँ सबको, लेकिन जो गरीब हमारी बहनें हैं, भूखे प्यासे घर में बच्चे मर रहे हैं, बिस्किट खिला करके पानी पिला रही है बच्चों को, ऐसे इस तरीके से पाल रही है बच्चों। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।